पंचायत चुनावों में वोटरों का शराब पिलाकर वोट हासिल करने के लिए लाई गई अवैध शराब के साथ पुलिस ने दो लोगों को एक शिफ्ट कार एवं ट्रैक्टर ट्रॉली सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक वृंदावन कोतवाली की जैत चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव अजहाई के नजदीक जैत अजहाई मार्ग पर खेतों में बनी भूसे की बुर्जी में रखी अवैध शराब को बरामद कर दो लोगों को एक शिफ्ट कार एवं ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए दोनों चार प्लास्टिक से कट्टों में भरकर रॉयल स्टेक हरियाणा मार्का के 261 हाफ एवं 200 क्वार्टरों को बुर्जी से निकालकर कार एवं ट्रैक्टरों में डालकर ले जा रही थी। आपको बता दें कि अवैध शराब गांव अजहाई के वोटर लुभाने के लिए उन्हें वितरण करने के लिए लाई जा रही थी। उसी वक्त पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए दोनों युवकों के नाम विक्रम पुत्र पन्ना लाल गाँव बेहटा थाना शेरगढ़ एवं ओम प्रकाश उमरेला थाना कोसी बताया है। अवैध शराब पकड़ने वाली टीम ने एसआई राघवेंद्र सिंह, एसआई संजीव कुमार, कांस्टेबल गिचिन और चालक संदीप शामिल रहे। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 17 से भाजपा समर्थित गुड्डी शर्मा के चुनाव कार्यालय का आज भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें क्षेत्र विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह एवं गोविंदर मंडल अध्यक्ष ठाकुर परशुराम सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके बाद विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता महादेव शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं आज इस मौके पर वार्ड नंबर 17 से सभी गांवों के सरदारी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वाफा बांध कर स्वागत किया गया। गोवर्धन मंडल अध्यक्ष ठाकुर परशुराम सिंह से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती गुड्डी शर्मा को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। अंत में विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए भाजपा कार्यकर्ता से विजय श्री दिलाने का आह्वान किया है। बताइए, जैसा कि आज वार्ड नंबर 17 से आपने यहाँ पर भाजपा समर्थित श्रीमती गुड्डी शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? आज हमारा सबसे लास्ट में हमारे ही मथुरा जनपद का ही चुनाव है, उसी के तहत चुनाव के तहत जो टिकट भी हमारी बहुत लेट डिक्लेयर हुई, आज हमारे वार्ड नंबर 17 का यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित हुए। आज मैं आपके द्वारा ये बताना देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितने भी हमारे मेरे क्षेत्र में 7 वार्ड आते हैं, 7 वार्ड बड़े अच्छी बहुमत से जीत रहे हैं और ये रिकॉर्ड बने गोवर्धन विधानसभा का एक अपने आप कायम होने जा रहा है। और ये भी मैं बताना देना चाहता हूँ आपको कि मथुरा में लगभग हम 20 वार्डों में जीतने की स्थिति में हैं और निश्चित वार्ड 20 में हम जीतेंगे तो हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, ऐसा हमारा सबका विश्वास है।